वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में मोटो का फ़ोन, इसके अंदर अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करना, आप इजीली जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। और जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं हम फ़ोन की सेटिंग के अंदर, वहाँ जाके जो है हम इसका सारा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है फ़ोन की सेटिंग के अंदर एंटर करना है, ये सेटिंग का आइकन है, ठीक है, आपको इस पर टच करना है। जब आप इस पर टच कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा तो स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों तरफ से आप सेटिंग के ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। जब आपका ये ऑप्शन आ जाएगा तो आपको जो है नीचे आना है, डाउन साइड पर सबसे नीचे आएंगे, उसके ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा ये गोल सा सर्कल दिखेगा। सबसे नीचे आने के बाद ये गोल सा सर्कल देखें, इस पर आपको टच करना है। फिर जो ऑप्शन दिखेगा गोल से सर्कल वाला, आपको फिर उस पर टच करना है। गोल से सर्कल वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है, ठीक है, मैं इस पर टच कर देता हूँ। अब ये ऑप्शन आ गया। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको चाइना में लिखा हुआ और ए लिखा हुआ, आपको इस पर टच कर देना है। अगर यहाँ पे वन और टू में अगर आपको लैंग्वेज शो हो रही है, जैसे कि मैं अभी यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने एक लैंग्वेज ले ली, अगर ऐसे लैंग्वेज आपको शो हो रही है तो जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट पे होती है वही लैंग्वेज सिलेक्ट होती है। तो इसको हम प्रेस करके ऐसे ऊपर ले आएंगे फर्स्ट पे, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ये देखें लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब हम फिर से इसे ऊपर ले आएंगे तो ये फिर से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, अब इंग्लिश में हो गई है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, आप उस पर टच करके रिमूव का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से गाइस आपके फ़ोन की लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।